नमस्कार, आप देख रहे हो जी समाचार वेब टीवी। मैं हूं दीपक पाठक। उत्तराखंड पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। उत्तराखंड पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। उत्तराखंड पुलिस ने संदिग्ध रेडियो एक्टिव मटेरियल वाले बॉक्स रखने के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। देहरादून पुलिस को राजपुर थाने में एक मुखबर ने ये सूचना दी थी, जिसके आधार पर उन्होंने कार्रवाई की और 5 लोगों को एक फ्लैट में गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए लोगों से जब पूछ की गई तो उन्होंने इस मटेरियल की जानकारी दी। पत्रकारों को जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारी ने कहा कि इस संबंध में हमने एजेंसियों से भी बात की है। एक सोसाइटी है जहां पर जो है कुछ लोग रुके हुए हैं, तो पुलिस टीम द्वारा वहां जाके चेक किया गया तो वहां 5 लोग उसमें वहां पर मौजूद मिले थे। और जब उनसे पूछताछ की गई तो उनके पास एक अजीब सा मतलब बड़ा सा बॉक्स था, डिब्बा था, और पुलिस ने जब खोलने का प्रयास किया तो उनके द्वारा बताया गया कि इसको खोलने से इसमें सभी लोग दिक्कत में आ सकते हैं, चूंकि इसमें रेडियो एक्टिव मटेरियल भी होता है। और तब उस समय जब पूछताछ की गई प्राइमरी, तो पता चला कि ये लोग MP से, दिल्ली से और सहारनपुर के लोग हैं जो यहां पर आए हैं, और कोई डील होने वाली करोड़ों में, और एक बॉक्स जो रेडियो एक्टिव मटेरियल भी जिसमें है उसको लेकर आए हुए। चूंकि मामला बड़ा संवेदनशील था और जिस तरह के और उन्होंने पूछताछ में बताया, तो तत्काल ही वहां पर रूम को लॉक करने के बाद हमने अपने जो और भी खुफिया एजेंसीज होती है उनसे भी जानकारी इकट्ठा करी। उस बॉक्स के फोटोग्राफ और जो भी इंस्ट्रूमेंट था आर्टिकल उसको भी भेजा गया, और इसके बाद SDRF की टीम को बुलाया। उनके द्वारा भी जो रेडियो एक्टिव जो चेक करने के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसके द्वारा प्राथमिक रूप से इस बात की पुष्टि हो रही थी कि इसमें यहां पर इस बॉक्स में रेडियो एक्टिव मटेरियल है। चूंकि सब समस्त चीजों की जानकारी के बाद भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में, जो कि जो हमारी प्रीमियर एजेंसी है एटॉमिक जो एनर्जी जो भी डील करते हैं रेडियो एक्टिव मटेरियल से, उनसे भी संपर्क किया गया। और संपर्क के बाद उनसे भी चीजें शेयर करने के बाद उनकी एक टीम जो दूसरी जो नरोरा बुलंदशहर में जो एटॉमिक पावर प्लांट है, इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम तत्काल रात ही रात वहां से रवाना हुई, और जो देहरादून पहुंचने के बाद उनके द्वारा 4 से 5 घंटे अभी ये कार्रवाई चल रही थी, जिसमें उस बॉक्स को वेरीफाई और चेक किया जा रहा था। अभी तक जो प्राथमिक रूप से पता चला है कि अभी कोई ऐसी रेडियो एक्टिव चीज का अभी उन्होंने प्राइमरी पुष्टि नहीं करी है, लेकिन जो बॉक्स है उसमें केमिकल भी है, और जिसको केमिकल एग्जामिनेशन करने के लिए भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में भेजने की बात भी बताई गई है। चूंकि मामला संवेदनशील था, तत्काल मुकदमा दर्ज कर लिया गया था और इसमें 5 लोग की अभी गिरफ्तारी हुई है, और अभी जो फाइंडिंग्स आएंगी और उसके बाद आगे क्या प्रोसेस निकल के आएगा तो उसके बारे में आगे बताया जा सकेगा। मैंने बताया कि अभी वो बॉक्स कस्टडी में जो नरोरा से जो टीम आई है, जो बुलंदशहर के एटॉमिक पावर प्लांट से है, जो इमरजेंसी रिस्पांस टीम है, उनके द्वारा ही इसका परीक्षण किया जा रहा है। फिर उसको सेफ्टी प्रिकॉशन से सील कर दिया जाएगा और इसके बाद इसको परमिशन के बाद, चूंकि अभी जो उनके द्वारा बताया गया कि उसको तुरंत वहां पर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में वो जो केमिकल उसमें लग रहा है उसके अंदर एक बॉक्स है उसके अंदर है, उसका परीक्षण किया जाना आवश्यक है किस तरह का केमिकल है। प्रथम दृष्टया अभी रेडियो एक्टिविटी की बात को अभी उन्होंने स्वीकार नहीं किया, लेकिन चूंकि मामला इतना संवेदनशील होता है कि अगर कोई भी रेडियो एक्टिव मटेरियल इस तरह कॉलोनी मोहल्ले या कहीं भी शहर में आ जाता है और लीकेज होती है उसकी, तो कहीं ना कहीं सभी को हार्म करने की इसमें आशंका रहती है। प्राइमरी रूप से हमें इसमें बीटा जो हमारे रेडियो एक्टिव मटेरियल की बात SDRF की टीम से पता चली, तो समस्त चीजों को वेरीफाई करना बहुत आवश्यक है। लेकिन अभी जो अभी अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं उनकी जानकारी से भी हमें 2-3 लोग का पता चला जो उस डील में शामिल थे, हमारी टीमें उनके लिए भी लगी हैं, तो अब समस्त गिरफ्तारियों के उपरांत और परीक्षण उपरांत ही इसमें स्पष्ट रूप से जानकारी दी जा सकेगी।